हर हर महादेव। नाथ द्वारा राजस्थान से विकास आमेटा जी हैं, उनका एक प्रश्न है कि उद्धव गोपी संवाद को लेकर के वे कह रहे हैं कि वर्तमान में प्रायः कथावाचक लोग उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान था ऐसा कहते हैं। तो क्या उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान था? क्या वे ज्ञान गुमानी थे और गोपियों के पास आकर के फिर उनका ज्ञान चकनाचूर हो गया और वे भक्त बन गए? पहले वे भक्त नहीं थे ऐसा लोग कहते हैं, क्या ये सही है? देखिएगा, इसका समाधान देखें। श्रीमद् भागवत की कथा में आपने सुना है कि लोग जो है उद्धव जी को ज्ञान का गुमानी ज्ञानाभिमानी कहते हैं। तो देखिए, श्रीमद् भागवत के आधार पर ही देखिए, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में पूरे में कहीं भी कोई थोड़ा सा भी ये बतलाए कि उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान था ऐसा कोई पद श्लोक चरण कहीं भी ऐसा एक भी शब्द आया हो जिससे ये स्पष्ट होता हो कि उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान था, पहले या बाद में कहीं भी, तो ऐसा नहीं है। अर्थात उद्धव जी को किसी भी प्रकार का ज्ञान का अभिमान नहीं था। यूं देखिए कि जो ज्ञान गुमानी है ज्ञानाभिमानी है, क्या वे भगवान के परम प्रिय मित्र बन सकते हैं? विष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। शिष्यो बृहस्पते साक्षात दुद्धवो बुद्धि सत्तमा। तो ये सततम बुद्धि वाले भगवान श्री कृष्ण के दैत यानी परम प्रिय सखा और विष्णु वंश के परम प्रिय मंत्री, भगवान बृहस्पति के परम प्रिय शिष्य और भगवान के बाल सखा, जिनका वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में ही, आप लोग देखना ध्यान से, जिस प्रसंग की बात चल रही है वहां नहीं है, उससे बहुत पहले आया है कि उद्धव जी भगवान की अर्चना करते थे बाल्यावस्था में और उनकी माता प्रातराश के लिए यानी कि उन्हें कलेऊ के लिए बुलाती थी तो वो नहीं आते थे, देखती हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर रहे हैं अर्चन कर रहे हैं उसमें लगे रहते थे सदा। तो जो बाल्यावस्था से ही जो अर्चन करते हैं भगवान का और भगवान के बाल्य सखा हैं तो उनको ज्ञान का अभिमान होगा, वे भक्त नहीं है। क्या कोई भक्ति रहित व्यक्ति भगवान के समीप रह सकता है? क्या भगवान का परम प्रिय दैत्य सखा बन सकता है? जिनको भगवान ने एकादश स्कंद में कहा है कि उद्धव मुझसे एक अणु मात्र भी न्यून नहीं है, मेरे ही समान है, और उद्धव जैसे भक्तों के निरपेक्ष मुनि शांत भक्तों के चरणों की धूली के लिए मैं सतत पीछे पीछे दौड़ता रहता हूं। बोले क्यों? कपूये मैं पवित्र हो जाऊं, इनके पाद रज की रेणु से। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम, मैं नित्य प्रति उनके पीछे दौड़ता हूं। तेंग्र रेणु भी पूयेत, आगे कह रहे क्योंकि मैं ऐसे लोगों की है ना, अंग्र रेणु भी चरणों की धूली से पवित्र हो जाता हूं। पवित्र होने के लिए उनके चरणों की धूली मिल जाए इसलिए हम पीछे पीछे दौड़ते हैं। यदि भगवान ये भक्त की महिमा बतला रहे हैं तो भक्त है ना, तभी तो बतला रहे हैं। तो उद्धव जी जो जन्म जन्मांतर के भगवान के भक्त हैं, जब भी उनको सखात्व भक्ति मिली है और सख्य भाव उनको सुदृढ़ है, ये सख्य भक्ति नहीं है तो क्या है बताइए?
नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सख्यम आत्मनिवेदन सख्य भक्ति है ना, और सख्य भक्ति बड़ी उत्कृष्ट है। हर व्यक्ति ये नवदा भक्ति में से हर भक्ति का हर व्यक्ति अधिकारी नहीं है। हम चाहें कि भगवान के चरण दबाए तो कहां मिलेंगे हमको चरण, बताइए। इतनी भक्ति जब उत्कृष्ट हो जाए तब जो भगवती लक्ष्मी जी को सदा वो सौभाग्य प्राप्त होता है, भला हमें आज कहां प्राप्त हो जाएगा। भगवान का सखा बनना सख्य भक्ति, तो ये भक्ति उत्कृष्ट भक्ति है। जैसे नाम जप में नाम संकीर्तनम है ना, श्रवणम कीर्तनम, तो श्रवण और कीर्तन में हर व्यक्ति का अधिकार है। भगवान का जो है कीर्तन करे, भगवान की कथा श्रवण करे, इन भक्ति में सबका, स्मरणम इनमें सबका अधिकार है। लेकिन पाद वंदनम ये तो, पाद सेवन सख्य इत्यादि भक्ति के जो है परमोत्कृष्ट भक्ति होने पर ही व्यक्ति लोग अधिकारी बनते हैं। तो ऐसा धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने अपने रामायण मीमांसा में, भागवत सुधा आदि ग्रंथों में ऐसा लिखा है। तो उद्धव जी जन्मजात भक्त हैं और वे ज्ञानी भी हैं। ज्ञानी तो आप भी मान रहे हैं, परंतु ज्ञान का उन्हें गुमान नहीं है। वो वासुदेव सर्वम इति, ये सब समझ चुके हैं कि वासुदेव ही सर्वमय है, सब कुछ है, या राममय सब जग जानी, ये सब जानते हैं। सर्वम खल्वेदम ब्रह्मा, ये उनको सदा प्रतिष्ठित है वेद वाक्य, और वो भगवान से किसी भी बात में न्यून नहीं है। भगवान तो कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे तो संत ज्यादा है, और मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, और राम ते अधिक राम करदासा। वो राम का भक्त, भगवत भक्त भगवान से ज्यादा महत्व रखता है, ऐसा तुलसीदास जी आदि आचार्यों का मुख्य मत है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये शंका उठी क्यों, लोगों को ऐसी शंका क्यों है, क्यों कहते हैं लोग। वो इसलिए कहते हैं कि भाई गोपियों के पास आए थे, फिर गोपियों के ही पास रह गए, और गोपियों के यहाँ आकर के कुछ ऐसी बातें कर रहे थे कि भगवान से, कहीं कहीं ऐसा आया है कि भाई भगवान उनसे, श्री कृष्ण से आप क्यों जो है अनुराग रखती हैं, वो तो आपको छोड़ करके चले गए है ना, और वो तो एक ग्वाल बाल हैं, आपकी ही तरह हैं, आप अपना पूरा समय उनके लिए दे रही हैं, सदा उनका स्मरण कर रही हैं, और उनके स्मरण में अपने कार्यों को जो है भूली बैठी हैं। इस तरीके का जैसे आता ना, लोग कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा उन्होंने कहा, यद्यपि भागवत जी की भाषा अलग है, वहाँ कुछ अलग कहा है, और उन्होंने, उद्धव जी ने जो कहा है, जो उपदेश दिया है, जैसे लिखा है कि माँ गोपियों के समस्त कष्ट की निवृत्ति हो गई, वो जो दुखी थी वो उनका दुख जाता रहा, उद्धव के उपदेश से। ये उसको आप प्रसंग को अक्षरशः पढ़ें तो भागवत जी में सब लिखा है, आपको मिल जाएगा। तो फिर भी देखिएगा, तो उद्धव जी ऐसी बातें क्यों कर रहे थे कि वो तो ऐसे ही है, और जो आप अपना क्यों उनके चक्कर में जो है समय नष्ट कर रही है, ये क्या है। तो ये इसका उदाहरण देखिएगा कि ऐसा क्यों कर रहे थे। कि देखिए कि भगवान शंकर के परम प्रिय भक्त हैं सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सप्त ऋषि, ये भगवान शंकर के भक्त हैं, अवधूत वेश में ही रहते हैं। तो ये लोग जब भगवती पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए गए, जब कहा कि पार्वती पह जाओ तुम प्रेम परीक्षा ले, परीक्षा लीजिए पार्वती जी की, तो वहां पार्वती जी के पास में जाकर के वो सनकादि क्या कह रहे हैं कि अरे पार्वती जी आप तपस्या कर रही हैं, किसके लिए, उस नग्न अवधूत को प्राप्त करने के लिए, क्या उसके पास, वो जो है श्मशान में रहते हैं, चिता भस्म को धारण करते हैं, कुछ भी उनके पास नहीं है, भला ऐसी कोई राजकुमारी या कन्या कोई ऐसी देखी है कि वो ऐसे बौरे पति के लिए तपस्या करे।
क्या ये भी कोई तपस्या से प्राप्त होने वाले हैं? वो उनको तपस्या करके प्राप्त करेंगे, क्या करेंगे? इसलिए हमने आपके लिए एक सुंदर श्रेष्ठ लक्ष्मी पति है ना, श्री निदान पति को खोज करके रखा है, आप उसको वर्ण करें तो अच्छा रहेगा। और जो है भगवान शंकर की वो निंदा करने लगे और भगवान विष्णु की जो है व्याख्या करने लगे, उनका गुणगान करने लगे। तब पार्वती जी ने क्या कहा कि सुनिए महाराज, आप जो कहे हम खंडन मंडन में नहीं जाएंगे, आप कह रहे हैं वो बात सही है। महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, जही कर मन रम जाय सन तेहते ही सन काम। आप कह रहे हैं ठीक है, महादेव अवगुण भवन, महादेव जी जो है अवगुणों के भवन है, अवगुणों के ही समूह है, अवगुणों की खान है, और विष्णु सकल गुण धाम, विष्णु भगवान में सकल गुण है, लेकिन फिर भी जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊ शंभु नत रहऊ कुआरी। अरे करोड़ों जन्मों तक एक ही हमारी रट है, एक ही लग्न है कि भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनना है, बरऊ शंभु भगवान शंकर का ही वर्ण करूंगी, नत रहऊ कुआरी, इस जन्म में तपस्या करूंगी और भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनको ही वर्ण बनूंगी, यदि उनका वर्ण नहीं हो पाया, मेरी आयु पूर्ण हो गई तो अगले जन्म में फिर तपस्या करके भगवान शंकर का, उसमें भी नहीं तो फिर तपस्या करके भगवान शंकर का वर्ण करूंगी। ये जन्म कोटि लग करोड़ों जन्मों का ये जो संकल्प है कि भगवान शंकर को ही पति बनाऊंगी, अन्यथा कुआरी रहूंगी। आप कहें शतवार महेशु, और तो और सुन लीजिएगा भाई, ये तो आप उनकी निंदा कर रहे हो और बतला रहे हो, स्वयं भगवान शंकर भी आकर के कहें कि हे पार्वती हमें तुमसे विवाह नहीं करना। आप कहें शतबार महेशु, एक बार नहीं, हजारों बार, सौ बार, सत शब्द अनंत अर्थों में होता है, कई बार भगवान शंकर आकर के कहें कि हम पार्वती जी से विवाह नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बरो शंभु न तो राम कुआरी, ऐसी दृढ़ निश्चय, ऐसी आस्था भगवती पार्वती की जब सनकादियों ने अथवा ये जो है सनकादि मुनियों ने देखी तो जय 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 जगदम्बिके भवानी, अब वो चरणों में जो है गिर गए, क्योंकि वो तो भगवान शंकर की परम आराध्य इष्ट देव की आज्ञा थी कि भगवती की जाकर के परीक्षा लो कि वो हमारे प्रति कितनी जो आस्थावान है, अन्यथा वो उनकी, वो तो पुत्रवत है, वो तो उनकी माँ है, भला वो उनकी परीक्षा लेने में कहाँ समर्थ थे। वो तो जय 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 जगदम्बिके भवानी, हे जगदम्बा हे भगवानी, ऐसा कह करके प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करके और भगवान शंकर पर आए। तो ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो भगवान शंकर की आज्ञा थी। ऐसा नहीं है कि वो भगवान शंकर को नहीं जानते सनकादि या जो है सप्तऋषिगण, दोनों गए हैं अलग अलग रूप में, रामचरितमानस में ये प्रसंग है, आप पढ़ लेने जो है, आप देखेंगे तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा, बहुत ही अच्छा है, आप जानते भी होंगे। तो वहां भगवान शंकर के परम महत्व को जानने वाले शनकादि मुनि वे भी भगवान शंकर की आज्ञा से ही भगवती पार्वती से इस तरीके के वचन कह रहे थे, लेकिन बाद में फिर भगवती को प्रणाम करके ही आए। ठीक यही स्थिति उद्धव जी की, उद्धव जी ने यदि कुछ कहा भी तो भगवान ने कहा है जाओ हमारा संदेश गोपियों को दो, क्योंकि वो जो है हमारा चिंतन करती रहती हैं सदा, तो उनको समझाओ कि मैं तो कण कण में व्याप्त हूं, कोई ऐसा थोड़ी हूं कि एक देशी हो, केवल इसी यही हमारा स्वरूप है, कहा उसको कहा जहां प्रभु ना है, हर जगह हूं। तो यही रूप में जो है उद्धव जी ने समझाया है कि वो तो सर्वव्याप्त हैं, सर्वत्र हैं, वो उनको आप केवल उसी विग्रह में उसी रूप में समझती हैं, ऐसा नहीं है, यही उपदेश उद्धव जी ने दिया। तो फिर वे जो है समझ गई और उनका दुख भी कम हुआ और भगवान के प्रति उनकी आस्था जो थी वो सर्वत्र भी व्याप्त हुई कि वो हमारे प्रेष्ठ प्रियतम भगवान श्री कृष्ण कण कण में व्याप्त हैं, ऐसी भी उनकी धारणा हुई। और वे गोपियां जानती भी थीं कि ये जो है भगवान है, ऐसा नहीं है, वो भगवान समझ करके ही उनसे प्रेम करती हैं, और कुछ गोपियों का ऐसा भी आता है कि वे नहीं समझती थी, वे अपना प्रियतम प्रेष्ठ ही मानती थी उनको,
ऐसी भी कुछ गोपियां थी। तो फिर उन्हीं सनकादियों की तरह उद्धव जी ने भी गोपियों को चरण वंदन किया, क्योंकि वे तो परम आराध्या हैं, भगवान की प्रेष्ठा हैं। इस दृष्टि से वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम वीक्षण सह, इस तरीके से याशाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भवनत्रयम, जब जो है प्रसंग है पूरा, फिर उद्धव जी ने उनको प्रणाम किया, उनकी चरण धूली को वंदन किया, कुछ दिन वहां रहे और नंद यशोदा को आनंदित करके गोपियों का परम संदेह ले संदेश ले करके और समस्त ब्रजवासियों का संदेश ले करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समुपस्थित हो गए। तो ये प्रसंग है। इस प्रसंग से ये नहीं देखना चाहिए कि उद्धव जी को अभिमान है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान है था। जो किसी ने यदि पद में या कोई गीतों में या कोई लौकिक कथाओं में या कहीं भी जिस प्रकार से कोई ऐसी भावना या ऐसे शब्दों का प्रयोग करके ऐसी बात को कहा भी है, तो वो ऐसा ही समझना चाहिए कि उद्धव जी वो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ऐसा कह रहे थे, अन्यथा वे जानते हैं कि गोपियों का महत्व और वे जानते हैं भक्ति का महत्व, वे जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का महत्व, तो वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक शब्द में आप यूं समझ जाएं कि जो स्थिति जो गति रामचरितमानस में भरत की है, वही स्थिति वही प्रेम वही दुलार वही ज्ञान वही प्रेम मूर्ति श्रीमद् भागवत में उद्धव जी का स्थान है, वही स्थान, कोई भी न्यूनता नहीं है। जग जप राम राम जप जेई भरत सरिस को राम स्नेही, बस यही बात यहां है कि मैं तो जो है इनका चिंतन करता हूं उद्धव जी का, तो उद्धव में क्योंकि अंत में उद्धव जी को भी चरण पादुका दी है और वहां भी भरत जी को भी चरण पादुका दी है, तो उद्धव जी एक रूप से आज भी गोवर्धन में विद्यमान हैं और एक रूप से बद्रिकाश्रम में रह करके तपस्या कर रहे हैं। ये उनके दो रूप हैं, ये उन्होंने भक्ति में ही मांगा है, ये वृंदावन में ही मांगा था, आसा महो चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमल लतौषधीना, ये जो है वृंदावन में ही मांगा है कि यहाँ वृंदावन में रह करके मैं कोई गुलम औषधि लता में रह करके तपस्या करूं या ये औषधि बन जाऊं रज बन जाऊं, और अंत में भगवान ने स्वयं आदेश दिया है कि तुम बद्रिकाश्रम में जाओ और वहां तपस्या करो। तो उनके आश्रय के लिए जैसे कि भरत जी के लिए भगवान ने चरण पादुका दी, ऐसी इनको दी है, और ये तो बड़े परम प्रिय भगवान के भक्त हैं, इनके लिए ऐसा कहना ये अपराध है, इसलिए भक्तापराध से बचिए और उद्धव जी को ज्ञानी और परम प्रिय भक्त दोनों ही मानिए। हर हर महादेव।